नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज कुमावत। आप देख रहे हैं टेक्निकल सूरज कुमावत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने YouTube चैनल में अपने सब्सक्राइबर्स को जो है हाइड कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका ऑडियंस है तो वो आपके सब्सक्राइबर्स को नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देना है। यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च करना है YouTube.com। सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइट को चुन लीजिएगा, ताकि हमारा जो मोबाइल डेस्कटॉप साइट की तरह काम करे। और दोस्तों, यहाँ पर अपने चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और योर चैनल में आपको चले जाना है। यहाँ पर चले जाने के बाद दोस्तों, आपको कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बाद में चैनल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों, यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन है दोस्तों, बेहतर सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने सब्सक्राइबर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है योर सब्सक्राइबर्स। यहाँ पर आप अपने सब्सक्राइबर्स को जो है हटाना चाहते हैं, तो जो राइट का क्लिक है इसे जो है हमें ऑफ कर देना है। ये अभी ऑन है, इसे ऑफ करेंगे तब हमारे जो सब्सक्राइबर है वो लोगों को नहीं दिखेंगे। इसे ऑफ कर देना है और बाद में दोस्तों सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप ये कर देंगे तो आपके चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके ऑडियंस को नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी सेटिंग्स जो आपको करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। और हाँ, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ यूट्यूब से रिलेटेड एंड टैक्स से रिलेटेड। अगर आप दोस्तों अपने चैनल पर व्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे।